गाजियाबाद में नर्स के साथ गैंगरेप की घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। घटना कल रात 9:30 बजे की है। नर्स के साथ पहले दो लड़कों ने लूटपाट की, उसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के सीख रोड युवकों द्वारा प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत नर्स के साथ लूटपाट और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा नर्स का मेडिकल कराया गया, जिसमें गैंग रेप की पुष्टि हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर युवकों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। हाँ, मामला ये है कि कल बरसात हो रही थी, बूंदा बांदी समय था। इधर राम बारात भी निकली थी कविनगर थाना क्षेत्र में, सारी फोर्स यहाँ लगी हुई थी। तो एक लगभग 25-26 वर्षीय युवती है, जो कि निजी अस्पताल में कार्य भी करती है। कार्य करने के बाद लगभग 9:15 बजे के करीब वहां से निकल करके अपने घर जा रही थी। तो रास्ते में ही वरदान हॉस्पिटल के जस्ट आगे एक टी पॉइंट बनता है, जो कि सिक रोड गाँव को जाती है। वहां पर दो लड़के जो है रास्ते में खड़े मिले, उनको देख करके उसने मोबाइल से कुछ फ़ोन करना चाहा, संकेत देना चाहा, जिसपे वो दोनों लड़के आए, मोबाइल छीन लिया और उसको घसीट कर जो है वहीं पास में जो है मोदी का खेत, धान का खेत है, जिसमें ले जाकर के उन लोगों ने गैंगरेप किया। इसमें जैसे ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई, सभी मौके पे गए हैं और बाकायदा जो है उस युवती का जो है मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है और गैंगरेप का मुकदमा भी थाने पर पंजीकृत करा दिया गया है। और इसके लिए हमारी दो टीमें भी गठित कर दी गई हैं, क्योंकि इसमें मोबाइल फ़ोन जाने की भी बात बताई गई है, वो भी हम सर्विलांस में लगाए हैं। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द ही जल्द जो है ये हमारी गिरफ्त में। क्या लड़की और लड़कों को जानते थे सर? नहीं, अभी जानने की बात नहीं, हालांकि उसने कुछ ऐसी बात बताई है कि वो लड़के जो आपस में बात कर रहे थे, आपस में एक दूसरे का जो नाम ले रहे थे, उस ढंग की बात आई है। तो इस मिलते मिलते उसको भी ले करके, उस तरीके के संबंध भी ले करके जो है उठाया जा रहा है। इसमें कि दो तीन लोगों को उस तरीके के जो है ला करके दिखाया भी है, लेकिन कहा कि ये नहीं है, हमारी एक टीम लगी हुई है, बहुत जल्द ही जल्द जो है हम उसको सलाखों के पीछे। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।